हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं परमाणु खनिज अन्वेषण के तरफ से। यहाँ पर एक अच्छी खासी वैकेंसी निकाली जा चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, जहाँ पे मैं आज बात करूँगा इसके फुल नोटिफिकेशंस के बारे में, और साथ में इसके अंदर जो भी आपकी बेसिक क्वायरीज होती है, जैसे कि कौन कौन अप्लाई करेंगे, इनमें एज लिमिट क्या होती है, सैलरी क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होते हैं, इन सभी चीज़ के बारे में आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये है एक पेपर का कट है जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फॉर्म स्टार्ट होगा वो 29 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगा और 17 नवम्बर 2022 को ये फॉर्म लास्ट हो जाएगा। जहाँ पे आपका पहले इसमें फिजिकल होगा, जिसके लिए दो पोस्ट के लिए, एक है पोस्ट ASO और एक होता है सिक्योरिटी गार्ड। इस दोनों पोस्ट के लिए सबसे पहले फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, वो आपका दिसंबर के अंदर हो जाएगा। इसके बाद जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ही यहाँ पर उनके लिए जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए और सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ पर एग्जामिनेशन रिटर्न कर लिया जाएगा जनवरी के अंदर। वहीं पर डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा JTO के लिए, यानी कि जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए, उनका फरवरी 2023 में भी इसका एग्जामिनेशन सेकेंड फेज का हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब चलिए बात करते हैं इसके अंदर जो आपके फुल नोटिफिकेशन में जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले बात करेंगे ये प्लेटफॉर्म जो है ये ऑनलाइन अप्लाई होने वाला है, ऑफलाइन अप्लाई होने वाला नहीं है। यहाँ पर ऑनलाइन मोड लिखा हुआ है, जहाँ पे एक पोस्ट का नाम है JTO, जिसका मतलब होता है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जिसमें आपके सैलरी की बात करते हैं तो 35,400 रुपया दिया गया है, जो लेवल 6 का पेमेंट है। साथ में इसको आपको DA और जो भी अदर गवर्नमेंट जो अलाउंस मिलती है वो आपको देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं तो टोटल 9 सीट है, जहाँ पे कैटेगरी वाइज आप देख पा रहे हैं सीट यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो कम से कम यहाँ पहला बोला गया है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश के अंदर। तो ये ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश में आपका एक ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो आपके पास कम से कम मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में अंदर, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में कोई भी एक मेन सब्जेक्ट आपका डिग्री लेवल पे होना जरूरी है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो कम से कम मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ में, जिसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश और हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। यहाँ पे मेन चीज़ यही कहा गया कि हिंदी और इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। ये हर एक बैचलर डिग्री की बात कर रहे हों, चाहे ग्रेजुएशन की या PG की बात कर रहे हों। एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर 18 से 28 साल यहाँ पे दिया गया एज लिमिट के बारे में, जो कि आपका एज होगा तो अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में बताया गया, तो सबसे पहले यहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2 यहाँ पे दो फेज में एग्जामिनेशन होंगे। लेवल 1 के अंदर बताया गया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, ये 4 सब्जेक्ट आप पूछे जाएंगे, जो टोटल 100 क्वेश्चन के होंगे और 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको मिनिमम हर एक लेवल में पास करना है। यानी कि हर एक जो लेवल है उसमें आपको, यानी कि अगर 100 क्वेश्चन का है तो आपको 50 क्वेश्चन सही कर लेना है, और OBC वाले बच्चे 40% नंबर, यानी कि 40% आपको लाना होगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे, आगे नीचे चलेंगे तो यहाँ पे फिर ये भी लिखा है कि लेवल 1 में अगर पहला एग्जामिनेशन में अगर ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनका सेकेंड एग्जामिनेशन फिर लिया जाएगा। जहाँ पे आप देखेंगे तो शॉर्टलिस्ट कितने बच्चे का किया जाएगा, तो 1:20, यानी कि 20 गुना आपका यहाँ पे रिजल्ट दिया जाएगा, जिसमें 9 सीट है तो 9 × 2 = 18, 180 बच्चे का सिलेक्शन जो है लेवल 2 यानी कि सेकेंड फेज के लिए क्या जाएगा। अब इसके बाद वही अगर देखते हैं यहाँ पर भी हैं, तो अगला जो यहाँ पर दिया गया, अगर किसी कैंडिडेट को अगर सेम मार्क्स मिल जाते हैं 2 कैंडिडेट को, तो दोनों बच्चे को क्वालिफाई कर लिया जाएगा, वो 1:20 के अंदर ही आएगा। 180 बच्चे से यहाँ प्लस भी यहाँ पर बच्चे का सिलेक्शन किया जाएगा, अगर कट ऑफ यहाँ पे मार्क्स सेम कर दिया जाते हैं तो। उसके बाद लेवल 2 का होगा जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे, जहाँ पे 2 पेपर देखने को मिलेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 की बात करते हैं, 100 मार्क्स के होंगे, 3 घंटा का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको ट्रांसलेशन करना है किसी पैराग्राफ का हिंदी से इंग्लिश में, 2 नंबर का यहाँ तक क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद वहीं पर अगर बात करते हैं 250 वर्ड में आपको लिखना होगा, 25 मार्क्स का देखने को मिलेगा। फिर वहीं पर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करना है, 2 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद आपको ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश के अंदर, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश से हिंदी करना होगा, 10 सेंटेंस होगा तो 15 मार्क्स के होंगे। वहीं पर फिर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी करना है, 15 मार्क्स का होगा। और साइनम्स एंड टर्म्स ये सभी आपको जो है याद रखने होंगे, ये सिर्फ पहला पेपर में आएगा। उसके बाद पेपर 2 फिर होगा आपका, जहाँ पर 3 घंटा का समय दिया जाएगा, फिर से आपका क्वांटी होगा, यानी कि मैथ होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, हिंदी लैंग्वेज का ऐसे और इंग्लिश लैंग्वेज का ऐसे, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे, और ये भी आपको 100 क्वेश्चन के साथ होंगे और ये आपको बनाने होंगे। इसके बाद जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनका जो मेरिट बनेगा वो फाइनल सिलेक्शन लेवल 2 के हिसाब से ही बनेगा, ये भी यहाँ पर बता दिया गया है।
अब नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे है नेक्स्ट पोस्ट का, जिसका नाम है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ए, जिसका पेमेंट इसका 35,400 है। लेवल 6 का पेमेंट यहाँ पे दिया गया है। साथ में ये नन गजेटेड पोस्ट है, आपको 38 सीट यहाँ देखने को मिलेगा। इसके बाद ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जिसमें ग्रेजुएशन कोई भी यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक सर्विस मैन से आते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, तो आपको एक्सपीरियंस जो नॉट बिलो जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी JCO से आपका नीचे का ऑफिस पोस्ट नहीं होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 27 साल यहाँ पे दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, और यहाँ पे किसी प्रकार का फिजिकल टेस्ट में आपका कह सकते हैं कि कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि टूट फूट नहीं होना चाहिए। अब मेल कैंडिडेट की बात करते हैं, हाइट कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 167 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वहीं पर हिली एरियाज और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो भी स्टेट लोग होंगे उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम, और महिलाओं के 155 सेंटीमीटर होगा, और SC कैटेगरी वालों के लिए 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए और 54 सेंटीमीटर फीमेल के लिए हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी जैसे कि जनरल OBC और SC की बात कर रहे हैं तो 80 सेंटीमीटर बिना सीना फुलाए होना चाहिए, और सीना फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आपका हाइट सीना होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं हिली एरियाज़ की और नॉर्थ ईस्ट के लिए तो 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर हाइट होना चेस्ट होना चाहिए, और ST की बात करते हैं तो 77 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट होना चाहिए और 82 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलना होना चाहिए। इसके बाद फिजिकल आपको होने वाला है, यहाँ पे देख पा रहे 1600 मीटर आपको 6.5 मिनट के अंदर दौड़ना है, और लॉन्ग जंप आपका 3.65 मीटर आपको 3 चांस दिया जाएगा, आपको यहाँ पे करना है। इसके बाद यहाँ पे चैन अप होगा जो कि 8 से 9 बार करना होगा। उम्र यहाँ पे दिया हुआ है, पुशअप्स देखने को मिला, सीट अप देखने को मिला, ये भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट कैटेगरी जो होगी 800 मीटर आपको 4 मीटर के अंदर दौड़ना, लॉन्ग जंप आपको 2.7 मीटर यानी कि 9 फीट कम से कम आपको लॉन्ग जंप करना होगा। इसके बाद यहाँ सीट अप्स आपको सिर्फ लड़कियों को सीट अप्स दिया गया है और कुछ यहाँ पे नहीं दिया गया है। जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे फिजिकल टेस्ट वही जाएंगे रिटन टेस्ट के लिए। जो रिटन टेस्ट होंगे 75 मार्क्स के होंगे, 90 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें कम्प्रिहेंशन, रिपोर्ट राइटिंग, मैथ और जनरल अवेयरनेस के बारे में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं, और फाइनल सिलेक्शन जो आपका है रिटन टेस्ट पे ही होने वाला है, जो आपका दो पोस्ट हैं। अब इसके बाद बात करते हैं सिक्योरिटी गार्ड के बारे में। 18,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा, लेवल 1 का पेमेंट है, जहाँ पर टोटल सीट देख पा रहे हैं 274 सीट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट में यहाँ सिर्फ आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होना जरूरी है। अगर एक सर्विस मैन वाले होंगे तो 10th पास उनका होना जरूरी है, वो भी यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद अगर बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पे उनका उम्र जो है 18 से 27 साल होना ही चाहिए, और फिजिकल टेस्ट यहाँ पे होना चाहिए जो आपको सेम है यहाँ पर, जैसे अभी आपका जो पिछले पोस्ट था सेम टू सेम यहाँ पे भी आपका सब कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए हाई चेस्ट इसके अंदर। अब यहाँ बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो एप्लीकेशन फीस यहाँ देख पा रहे हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 200 रुपया है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 200 रुपया लगेगा, और सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको 100 रुपया यहाँ पे देना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। लेकिन किसी प्रकार का अगर मान लीजिए कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे SC हो गए, ST हो गए और फीमेल कैंडिडेट हो गए हैं, और उनको किसी प्रकार का फीस यहाँ पर देने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर हैं कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ दिया जाएगा, तो 16 सिटी पूरा भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। इन सभी जगह पे आपको कहीं एक जगह पे आपका सेंटर देखने को आपका मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर एक चीज़ की एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट जितना भी आपको मैंने बताया है सभी का एज लिमिट में ध्यान रखना। SC कैटेगरी और ST कैटेगरी होंगे तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, वहीं पर अगर OBC का होंगे तो आपको 3 साल का उम्र में छूट दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके बाद कोई भी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। और बाकी इसमें जितने भी यहाँ पे देख पा रहे हैं डाटा बना दिया गया है कि क्या कैटेगरी के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, आपको ये सर्टिफिकेट इसी मॉडल का बना के रखना होगा, और जब वेरिफिकेशन होगा तो आपको ये सभी रिक्वायरमेंट वहाँ पे पड़ जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आ गया होगा पूरा। यहाँ पर मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।